Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is Introduction to Polymer Chemistry. ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री से है. ये टॉपिक नंबर 15 है. इस टॉपिक का आज हम क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब वन शॉट में ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो डिलीटेड सिलेबस के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब कुछ मैं इस चैप्टर में अभी कवर करूंगी. तो आप मेरे साथ बने रहें और फिर देखिए, ये वीडियो के साथ मैं लाइव बनी हुई हूँ आपके साथ नीचे चैट में. तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में पूछ सकते हो. कुछ सजेशन हो तो बता सकते हो, जिससे मैं आगे अपने आप में या अपने चैनल में इंप्रूवमेंट्स कर सकूं. तो चलिए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं. तो पॉलीमर्स हैं क्या? तो केमिकली पॉलीमर्स एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो बने होते हैं रिपीटिंग यूनिट से. जो ये रिपीटिंग यूनिट्स एक्चुअली बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं. तो पॉलीमर्स एक्चुअली बने होते हैं स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स, और कॉम्प्लेक्स और जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. पॉलीमर ये वर्ड आया है ग्रीक से, जहां पॉली मतलब मिनी, मर मतलब स्मॉल पार्ट और यूनिट. तो बहुत सारे स्मॉल पार्ट और यूनिट साथ में आते हैं तो बनता है पॉलीमर. ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं पॉलीमर्स बनाने के लिए. तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स एक्चुअली बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं, तो वन बाय वन सब कवर करेंगे. पहला क्लासिफिकेशन मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन. तो सोर्स और ओरिजिन के बेसिस पे हम पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई करें, तो उसमें थ्री टाइप्स है. पहला है नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर्स, दूसरा सिंथेटिक एंड तीसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. तो तीन है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक. नेचुरल पॉलीमर्स में अगेन दो टाइप आता है, एक है प्लांट पॉलीमर्स और दूसरा है एनिमल पॉलीमर्स. तो देखिए वन बाय वन नेचुरल पॉलीमर्स. नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर हैं जो नेचर से मिलते हैं, जिनका सोर्स नेचर होता है. इसमें दो टाइप है, प्लांट पॉलीमर्स एंड एनिमल पॉलीमर्स. प्लांट पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, लाइनिन, ये सारे जो है वो कॉटन प्लांट या फ्लैक्स प्लांट से मिलते हैं, इसलिए प्लांट पॉलीमर्स हुए. जो नेचुरल रबर है वो भी एक नेचुरल पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है, एक्चुअली प्लांट पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो प्लांट से ही मिलता है. दैट इज लैटेक्स जो मिलता है वो बार्क ऑफ रबर ट्री से मिलता है, इसलिए नेचुरल रबर भी एक प्लांट पॉलीमर ही है. नेक्स्ट है एनिमल पॉलीमर. एनिमल पॉलीमर वो पॉलीमर है जिनके सोर्स एनिमल है, मतलब जो एनिमल से डिराइव होते हैं, जैसे कि ऊल, ऊन जो शीप के बाल से डिराइव होता है, या सिल्क जो सिल्क वर्म से मिलता है. तो ये सब हुए एनिमल पॉलीमर्स. नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स मींस मैन मेड पॉलीमर्स, जिन पॉलीमर्स को मैन ने बनाया. ये पॉलीमर जो है वो आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें पॉलीमराइजेशन किया जाता है एक मोनोमर का या एक से ज्यादा टाइप ऑफ मोनोमर्स का, जिससे उनमें सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन होता है और वो कहलाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं नाइलॉन, टेरेलिन, नियोप्रिन, ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं. नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जिनका स्टार्टिंग का सोर्स तो नेचर है, मतलब वो नेचुरल पॉलीमर्स से ही डिराइव किए जाते हैं, बट ये नेचुरल पॉलीमर्स को जो है कलेक्ट करके लैब में फर्दर सिंथेसाइज किया जाता है या रीजेनरेट किया जाता है, तो इसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स.
मतलब जो जिनका सोर्स नेचर ही है बट उन्हें रीजनरेट फाइबर्स किया जाता है, जैसे कि सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज एसिटेट रायन से बनता है, फिर सेल्यूलोज नाइट्रेट, वाइस्कोर आयोन, ठीक है। तो ये सारे जो है सेमी सिंथेटिक में आते हैं। जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो नॉन इन्फ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स, सिनेमा फिल्म्स, वार्निशेस, ये सब बनाने में बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टाइप है जो है सेकेंड, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई करें। अगेन थ्री टाइप है। पहला है जो है लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स, जिसमें पॉलीमर्स एक दूसरे से बस ऐसे जुड़ जाएंगे, मतलब मोनोमर्स एक दूसरे से बस ऐसे जुड़ते जाएंगे पॉलीमर बनाने के लिए। सेकेंड है ब्रांच चेन पॉलीमर्स, जिसमें ब्रांचेज होंगे मोनोमर्स में जो आपस में जुटने के बाद एक ब्रांच जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका ब्रांच चेन पॉलीमर। और थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में दो लीनियर चेन होते हैं, तो वो दो लीनियर चेन आपस में क्रॉस लिंक हो जाते हैं, तो उसे कहेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो चलिए देखते हैं, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स एक्चुअली मिलते हैं मोनोमर यूनिट से या मोनोमर मॉलिक्यूल से, जो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं एक लीनियर अरेंजमेंट में, एक सीधे सीधे अरेंजमेंट में, और देते हैं स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ये ज्यादातर बनते हैं बायफंक्शनल मोनोमर से या अल्कीन से, ठीक है। तो लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, बायफंक्शनल मोनोमर्स या फिर अल्कीन्स। जो लीनियर का एग्जांपल है वो है पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर जो है वो जो सेकेंड टाइप में आता है, जिसमें आपको ऐसा मोनोमर चाहिए जिसमें एटलीस्ट तीन फंक्शनल ग्रुप्स हो, या फिर आपके मोनोमर में ऑलरेडी साइड चेन हो, ठीक है। तो ब्रांच चेन पॉलीमर बनाने के लिए आपको ऐसा मोनोमर चाहिए जिसमें तीन फंक्शनल ग्रुप हो या ऑलरेडी आपके मोनोमर में साइड चेन हो, तो ही आपको मिलेगा ब्रांच चेन पॉलीमर। उसका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे LDPE के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जो एक्चुअली बनते हैं बाय क्रॉस लिंकिंग या फिर नेटवर्क पॉलीमर से बिटवीन टू लीनियर चेन, मतलब दो लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स हैं वो आपस में जो है क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे या फिर वो नेटवर्क बना लेंगे, जिससे क्रॉस लिंक पॉलीमर्स बनेगा। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स जो है एक्चुअली बनते हैं ऐसे मोनोमर्स में जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि बैकेलाइट, नीलानी। तो आपको याद रखना होगा लीनियर पॉलीमर्स के लिए आपको बायफंक्शनल मोनोमर्स या अल्किन्स चाहिए, ब्रांच चेन के लिए आपको ऐसे मोनोमर चाहिए जिसमें ऑलरेडी ब्रांच हो या तीन फंक्शनल ग्रुप्स हो, और क्रॉस लिंक के लिए आपको पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, तो उसमें पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तीसरा है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है पॉलीमर्स का बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स, मतलब दो मोनोमर्स आपस में ऐड होते हैं देने के लिए पॉलीमर, बट इस पॉलीमर के बनते वक्त ये ए और बी दोनों मोनोमर से कोई भी छोटा सा मॉलिक्यूल भी लॉस नहीं होता, और उसे कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, जहां एक पॉलीमर बनता है दो मोनोमर से बिना कोई भी छोटे मॉलिक्यूल के लॉस के। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मतलब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन अंडरगो करने वाले मोनोमर्स, उनमें डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी वो एडिशन पॉलीमराइजेशन हो पाएगा। एग्जांपल विनिल क्लोराइड, एक्रोल नाइट्राइड, ये जो मोनोमर्स है यही एडिशन पॉलीमराइजेशन दे सकते हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड्स हैं। अब जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथिलीन है फ्रॉम इथिलीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन ऑफ टू
या टू से ज्यादा बाइफंक्शनल मोनोमर्स का, मतलब ऐसे मोनोमर जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, वो आपस में कंडेंस होंगे, वहां इलिमिनेशन होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, HCl, NH3, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लॉस होंगे और फिर वो दो मोनोमर्स कंडेंस होंगे बनाने के लिए कंडेंसेशन पॉलीमर्स। उसका एग्जांपल है पॉलिस्टर, नाइलॉन 6 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के लिए आपको साइक्लिक मोनोमर्स चाहिए, जैसे कि लैक्टम्स, साइक्लिक ईथर्स, लैक्टोन्स, जो एक्चुअली पॉलीमराइजेशन अंडरगो करते हैं बाय रिंग ओपनिंग। वो अपना एक रिंग ओपन करते हैं और वो फिर पॉलीमराइजेशन अंडरगो करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो उसके बेसिस पे चार टाइप है। पहला है इलास्टोमर्स, दूसरा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, तीसरा फाइबर्स, चौथा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो इलास्टोमर्स मतलब हैविंग इलास्टिक कैरेक्टर, जैसे कि रबर। इसका एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबर, नियोप्रिन। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं इजिली जब उन्हें रिपीटिंगली हीटेड किया जाए, और वो हार्ड हो जाएंगे जब उन्हें कूल किया जाए। ठीक है, मतलब जैसे ही आप उस पॉलीमर को हीट करोगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पे आने दोगे वो हार्ड हो जाएंगे, जैसे पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी। नेक्स्ट है फाइबर्स। ये इनमें होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके चेन्स के बीच में। ठीक है, तो आते हैं फाइबर्स के अंदर, जैसे कि सिल्क, नाइलॉन 6। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स मतलब वो है जिसमें क्रॉस लिंकिंग या हैवीली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, और वो अंडरगो करते हैं परमानेंट चेन ऑन हीटिंग। मतलब वो पॉलीमर्स को यदि आप हीट करो तो उनमें परमानेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स थे जो पहले सॉफ्ट हो जाते थे और बाद में रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हार्ड हो जाते थे, वैसा नहीं होता, उनमें परमानेंट चेंजेस आ जाता है, जैसे मेलामाइन, बेकेलाइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स, तो उसमें पहला है होमोपॉलीमर्स, दूसरा है कोपॉलीमर्स। ये वर्ड से आप समझ चुके होंगे, होमो मींस सेम, मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिसमें एक ही टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट हो, इसलिए वो कहेगा होमोपॉलीमर्स, मतलब सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। अब वो ज्यादातर होमोपॉलीमर सिंगल मोनोमर यूनिट से ही बनते हैं क्योंकि उनमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स चाहिए, या फिर दो डिस्टिंक्ट मोनोमर यूनिट से भी बन सकते हैं, बट दोनों डिस्टिंक्ट मोनोमर यूनिट एक ही सीक्वेंस में रिपीट होंगे, जैसे ए और बी दो रिपीटिंग मोनोमर यूनिट से, वापस ए और बी, फिर ए और बी, ऐसे सेम तरीके से, तो ये होगा होमोपॉलीमर्स। इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, नाइलॉन 6, पॉलीएक्रोनाइट्राइड, नाइलॉन 6। नेक्स्ट है कोपॉलीमर्स। को मींस डिफरेंट, मतलब ऐसे पॉलीमर जो दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। इनमें जो पॉलीमराइजेशन होता है वो होता है दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ मोनोमर्स के बीच में, और ये डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट जो हो रैंडमली जो है वो प्लेस्ड होते हैं। सपोज ए बी है तो फिर बाद में बी ए होगा, फिर बी ए होगा, फिर अचानक ए बी हो जाएगा, और रैंडमली प्लेस होते रहेंगे, तो हो जाएगा कोपॉलीमर्स मींस डिफरेंट। होमो मींस सेम, मतलब एक ही मोनोमर यूनिट होगा या एक से ज्यादा भी होगा तो सेम सीक्वेंस में रिपीट होगा। कोपॉलीमराइजेशन में दो या दो से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट्स होंगे और वो रैंडमली जो है वो प्लेस्ड होंगे। इनका एग्जाम्पल है बूना एस एंड बूना एन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब बायोडिग्रेड होते हैं कि नहीं होते हैं पॉलीमर्स। तो बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सब सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसलिए वो नेचर में एक्युमुलेट होके वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बहुत सालों तक
प्रेजेंट होते हैं और इसलिए वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट है ऐसे वर्क कर रहे हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स बना सकें। बट याद रखें, नेचुरल पॉलीमर सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट, ये वाला जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनल चार्ट है जिसमें सारा क्लासिफिकेशन विद द टाइप्स है। ठीक है, तो पहला है बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, तो नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल में याद रखें दो अगेन है, प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो लीनियर ब्रांच चेन क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उसमें इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो थ्री है एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, रिंग ओपनिंग पॉलीमर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोनोमर्स पे, तो होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, और लास्ट है बायोडिग्रेडेबिलिटी पे, तो दो है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो ज्यादातर नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो ज्यादातर सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। तो मैं ऐसे ही सिर्फ पॉलीमर्स कवर कर रही हूँ यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है, जो डिलीट हो चुका है उसे मैं नहीं कवर करूंगी। तो पहला है रबर। रबर जो है वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इलास्टोमर्स का। ठीक है, जो नेचुरल रबर है वो मोनोमर यूनिट है ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, तो नेचुरल रबर जो है वो किससे बना है, आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट से, जिसे कहते हैं 2-methyl-1,3-butadiene। तो ये है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। ये आइसोप्रीन यदि अंडरगो करे पॉलीमराइजेशन, n नंबर ऑफ आइसोप्रीन जब अंडरगो करेगा पॉलीमराइजेशन तब आपको मिलेगा पॉली आइसोप्रीन या फिर रबर। तो ये है आपका रबर का स्ट्रक्चर। रबर पढ़ते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखे, वल्केनाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है नेटवर्क ऑफ क्रॉसलिंक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है इलास्टोमर्स के बीच में। इलास्टोमर्स के स्ट्रक्चर में क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, नेटवर्क ऑफ क्रॉसलिंक्स, जिससे रबर में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। तो वल्केनाइजेशन की जनरली यूज करने वाला जो केमिकल है वो है सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉलीमरो है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है सिंपलेस्ट और सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक है और उसका स्ट्रक्चर ये है, ये है पॉलीथीन का स्ट्रक्चर। पॉलीथीन दो टाइप का है, एक है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। याद रखें एलडीपी लो डेंसिटी, एचडीपी हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो इथीन से ही बनता है, इसका मोनोमर इथीन ही है, जिसे ट्रीट किया जाता है परोक्साइड या ट्रेसेस ऑफ O2 के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और देगा आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाने के लिए इथीन ही चाहिए आपको अगेंस्ट स्टार्टिंग मटेरियल, बट अब वो ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जिससे आपको मिलता है HDPE, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है जो है टेफ्लॉन। तो केमिकली टेफ्लॉन को क्या कहा जाता है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। तो टेफ्लॉन का नाम क्या है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। इसका मोनोमर है टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। अब ये जो टेट्राफ्लोरोइथीन है ये अंडरगो करता है पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड टू गिव टेफ्लॉन। नेक्स्ट जो है वो है पॉलीएक्रोनाइट्राइल। पॉलीएक्रोनाइट्राइल, तो इसमें एक्रोनाइट्राइल जो है वो अंडरगो करेगा पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड टू गिव यू पॉलीएक्रोनाइट्राइल। तो इससे समझ सकते हैं पॉली मींस मेनी, मेनी एक्रोनाइट्राइल मतलब मोनोमर कौन है, एक्रोनाइट्राइल। तो एक्रोनाइट्राइल बहुत बार रिपीट होगा जिससे बन जाएगा पॉलीएक्रोनाइट्राइल। नेक्स्ट है पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। तो पॉलीअमाइड पॉलीमर्स को जनरली मार्केट में नाइलॉन्स के नाम से जाना जाता है।
नाइलॉन जो है वो जेनरिक नेम है सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड्स का, जो मिलता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तो पॉलीअमाइड पॉलीमर जो नाइलॉन है वो कैसे बनता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नाइलॉन या पॉलीअमाइड पॉलीमर्स है, पहला है नाइलॉन 66, दूसरा है नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 66 बनता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायामाइन के कंडेंसेशन से, याद रखें। तो जब एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायामाइन ये दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे तब मिलेगा आपको नाइलॉन 66। तो पहले दोनों में कंडेंसेशन होगा और बनेगा नाइलॉन सॉल्ट, जो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होगा यहां और बनेगा नाइलॉन 66। यहां ये जो 66 है वो रिप्रेजेंट करता है कि एडिपिक एसिड का भी 6 कार्बन एंड हेक्सामिथिलीन डायामाइन का भी 6 कार्बन पार्टिसिपेट हो रहा है नाइलॉन बनने के लिए, इसलिए इसका नाम है नाइलॉन 66। नेक्स्ट है नाइलॉन 6 जो बनता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से, जहां जो ये एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है वो अंडरगो करता है रिंग ओपनिंग टू गिव नाइलॉन 6। अब ये 6 रिप्रेजेंट करता है कि जो ये कैप्रोलैक्टम है इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, देखिए 3, 4, 5, 6, तो यहां 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसलिए ये है नाइलॉन 6। नेक्स्ट है पॉलीस्टर्स। पॉलीस्टर्स पॉलीमर जो है वो बनता है इस्टर, ये वर्ड देख के ही, इस्टर लिंकेज से। तो मोनोमर साथ में आते हैं और ज्वाइन होते हैं वाया इस्टर लिंकेज देने के लिए पॉलीस्टर्स। पॉलीएस्टर मार्केट में टेरिलिन के नाम से या डैक्रॉन के नाम से मिलता है। पॉलीएस्टर बनता है इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड के कंडेंसेशन से, जहां वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। और आपको पता होगा अल्कोहल एंड एसिड अंडरगो कंडेंसेशन टू गिव ईस्टर, करेक्ट। इसलिए यहां पे जो इथिलीन ग्लाइकॉल है और टेरेथैलिक एसिड है वो अंडरगो करते हैं कंडेंसेशन टू गिव ईस्टर, दैट इज पॉलीस्टर, और उसको कहते हैं टेरिलिन या डैक्रोन। और इसके लिए जो कैटलिस्ट चाहिए वो है जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। आपको ये नाम याद ना रहे तो एग्जाम में सिर्फ कैटलिस्ट वर्ड एरो पे लिखिएगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट है बूना एस रबर। बूना एस जो है वो एक इलास्टोमर का एग्जाम्पल है और वो बनता है बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन। बूना एस का जो मार्केट का नाम है वो है SBR, दैट इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये बूना एस जो है वो कोपॉलीमराइजेशन से बनता है, मतलब बिटवीन दी 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। तो 75% ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्ट होता है 25% ऑफ स्टाइरीन के साथ, दोनों में कोपॉलीमराइजेशन होता है और बनता है SBR, दैट इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, दैट इज बूना एस। नेक्स्ट है न्योप्रीन। न्योप्रीन एक सिंथेटिक रबर है जो बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, दैट इज 2-chloro-1,3-butadiene। तो ये है आपका 2-chloro, देखिए 2-chloro-1,3-butadiene, दैट इज क्लोरोप्रीन, वो अंडरगो करेगा कंडेंसेशन रिएक्शन आपस में, इसमें एक ही तरह ऑफ मोनोमर है, और बनेगा न्योप्रीन जो एक सिंथेटिक रबर है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाने के लिए, क्योंकि फिर वो नेचर में एक्यूमुलेट नहीं होते, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते और बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है PHBV, जो एक्चुअली एक कोपॉलीमर है दो बायफंक्शनल ग्रुप से बना हुआ, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोजेलिक एसिड। मतलब दो तरह के बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोजेलिक एसिड आपस में रिएक्ट होते हैं देने के लिए PHBV। तो ये दोनों जो कौन से एसिड्स हैं, पहला है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड जिसे 3-hydroxybutanic एसिड भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड जिसे 3-hydroxypentonic एसिड भी कहते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और यहां पे कंडेंसेशन होगा, इसलिए स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर लॉस होगा और बनेगा
THBV. तो याद रखें यहां पे दोनों भी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोजेलिक एसिड है. पहला है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी वैरेलिक एसिड. ये दोनों कंडेंस होंगे देने के लिए PHBV. नेक्स्ट ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है विद देयर मोनोमर्स एंड देयर एप्लीकेशन. तो पहला है एक्रेलिक ग्लास जिसका मोनोमर है मिथिल मिथा एक्रिलेट. उसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ये है. उसका एप्लीकेशन है लेंसेस, पेंट, सिक्योरिटी बैरियर, एलसीडी स्क्रीन, स्कैटर रेजिस्टेंट ग्लास. नेक्स्ट है बूना एस जिसका मोनोमर है ब्यूटाडाइन एंड एक्रोलोनाइट्राइड. उसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ये है और यूज होता है एडेसिव, रबर बेल्ट, शू सोल्स, ओ रिंग्स, गैसेट्स. नेक्स्ट है पीवीसी जो है पॉलीविनिल क्लोराइड जिसका मोनोमर है विनिल क्लोराइड. उसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ये है, वो यूज होता है वाटर पाइप्स, रेनकोट्स, फ्लोरिंग. नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलामाइड जिसका मोनोमर है एक्रिलामाइड. उसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ये है, यूज होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस. नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसका मोनोमर यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड है. ये उसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है और ये यूज होता है अनब्रेकेबल डिनर वेयर और डेकोरेटिव लैमिनेट्स बनाने के लिए. नेक्स्ट है ग्लाइपर्टल जिसका मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड. ये है उसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, यूज होता है पेंट्स एंड लैक्वर्स में. नेक्स्ट है पॉलीकार्बोनेट जिसके मोनोमर्स है बिस्फिनॉल एंड फॉस्जिन. ये है उसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर्स में. नेक्स्ट है थर्मोकॉल जिसका मोनोमर है स्टाइरिन. ये उसका थर्मोकॉल का स्ट्रक्चर है. ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टाइलिन, कैन लीच व्हेन हीटेड और इसलिए ये ज्यादातर बैंड है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, यू आर फ्री टू डू दैट ऑन askyadoubt04@gmail.com. इफ यू लाइक माई वीडियो, गिव मी अ थम्स अप. शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स. और यहाँ पे मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू. और आपको आगे ऐसा प्रीमियर और चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कौन से चैप्टर पे आपको नेक्स्ट प्रीमियर चाहिए और आपको क्या चाहिए और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.